मोदी को घेरने, बयानों पर उनके मजाक लगे बनने। इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं राहुल? बयानों से अपने क्या खिलाएंगे फूल? नमस्कार, मैं हूं कविता। इस चुनावी दौर में दौड़ भाग कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगता है वाकई में कंफ्यूज हो गए हैं। कब कहां क्या बोलना है वह इस बात में इतना कंफ्यूज है कि कभी वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम भूल जा रहे हैं तो कभी नीरव मोदी और विजय माल्या के नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से ही वह पनामा घोटाले में सीएम शिवराज के बेटे का नाम घसीटकर खुद ही मुसीबत मोल ले लिए। जब बीजेपी ने हमला बोला तो उन्हें कहना पड़ा कि मैं कंफ्यूज हो गया। 30 अक्टूबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के खरगोन में चुनावी सभा कर रहे थे और इस बार तो वह मोदी पर निशाना साधते साधते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ही कंफ्यूज हो गए और राष्ट्रपति से 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया। जरा भी सुनिए। कहते हैं मोदी जी, कहते हैं मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। क्या बात बोली। देश का राष्ट्रपति जाता है, लाल किले पे खड़ा होता है, देश का राष्ट्रपति जाता है, लाल किले पे खड़ा होता है। राहुल गांधी के ऐसे ही बयानों ने लगता है बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इसलिए उन्होंने पीएम मोदी से भी इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मजेदार अंदाज में राहुल की तुलना ग्रामोफोन से करते हुए चुटकी ली और कहा कि उनकी बातों का आनंद लेते रहिए। मैं नरेंद्र गढ़कर बैतूल से बोल रहा था। भाई साहब, राहुल गांधी जी जगह जगह सभा करके कहते हैं कि हर जिले में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई को क्यों नकार रही है कि पहले से ही भारत देश मोबाइल के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है बनाने के क्षेत्र। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो बैतूल आएंगे तो बैतूल में भी बोल देंगे ऐसा। देखिए, पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार 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 वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे, आपको मालूम है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। ये चुनाव के माहौल में, आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। यह और इनको ये मालूम नहीं है, वक्त बदल चुका है जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले संसद में भी राहुल गांधी अचानक कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी से गले मिलने पहुंच गए थे, जिससे पीएम मोदी समेत पूरी संसद हैरान रह गई थी। अविश्वास प्रस्ताव जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस के दौरान राहुल की इस हरकत का पीएम मोदी ने शाहजहांपुर रैली में जवाब देते हुए कहा था कि जब वह अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।